अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। मैं हूँ तैमूर सईद। हम बनाने जा रहे हैं ना। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। सही है ना। 2000 years later. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, हियर आई एम तैमूर सईद। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रमज़ान की प्रिपरेशन। जी, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान से पहले कुछ फैमिलीज़ होती हैं, मोस्ट मैक्सिमम फैमिली रमज़ान से पहले समोसे और रोल्स और डिफरेंट आइटम्स बना के रख लेती हैं फ्रीज़र में, ताकि उनको रमज़ान में इजी हो जाए कि वो फ्राइंग करने के लिए। तो हम आज बनाने जा रहे हैं आपके साथ समोसे एंड रोल। चले हम चलते हैं। जी, अब मैं ऑलरेडी किचन में आ चुका हूँ, तो हम लोग बनाएंगे कौन सा है, वेजिटेबल चिकन रोल बनाएंगे। उसके लिए हमें पहले हम लोग वेजिटेबल कट करेंगे। वेजिटेबल में कट करने से पहले मैं जो पहले आइटम कट करूंगा वो है ग्रीन कैप्सिकम। जी, अब हम गाजर लेंगे। गाजर को ऑलरेडी पील कर लिया था मैंने, और पील करके अब मैं इसको, आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कैमरे में नीचे करके। देखिए, ये देखिए मैं अब क्या करूँ, इसको कद्दूकस करता हूँ। जी, आप मुझे देख सकते हैं कि मैं किस अंदाज से कद्दूकश कर रहा हूँ। लगे रहो मुन्ना भाई। ये बॉइल करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस पतीले के अंदर मैंने काफी हद तक पानी, 2-3 गिलास पानी डाला, और अब मैं चिकन डाल के इसको बॉइल कर दूंगा। जी, मेरी जो रेसिपी है वो थोड़ी डिफरेंट है। आपने देखा मैं चिकन ऑलरेडी डाल दिया, इसके अंदर अब मैं मटर डालूंगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इकट्ठी मिक्स करूंगा, एक्सेप्ट वो जैसे कहते हैं ना कि वो जो मैंने कैरेट्स काटी थी उसको मैं बाद में डालूंगा, बाकी सारी डाल दूंगा इसके साथ ही। ये देखिए डाल दिया मैंने तो हाथ वॉश करके अच्छे लिए इसलिए डाल। उसके बाद हम हल्दी, इसको क्या कहते हैं, एक चम्मच के साथ डालेंगे इसमें, 1 चम्मच डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे। ये देखें 1 चम्मच एंड 2 चम्मच। अब इसके अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मैं स्पेशल लकड़ी का चम्मच यूज़ करता हूँ, नॉट अदर चम्मच, क्योंकि आपको पता है अदर चम्मच बड़े थोड़ा ओवर एक्साइटेड मैं बाहर निकल गया। डोंट वरी, टेक इट इजी। अब देखा आपको मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और हल्की आँच में पक रखा, देख सकते धीमी आँच में लगाया हुआ। अभी हो गया, अब इसके बाद हम इसको कवर कर लेंगे। जब चिकन रेडी हो चुका है, इसके जो वेजिटेबल थे वो मैंने सेपरेट कर दिया, और अब चिकन मैं डालूंगा। अब इसमें ये पतीले में जब ऑयल डालूंगा, मैंने ऑलरेडी लेकर रखा था, ऑयल डाल दिया। अब इसमें 1.5 स्पून मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगा। जी, अब इसको पका के हम लोग अभी इसको थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद हम ग्रीन अनियन डालेंगे, और मैं देखिए चम्मच चला रहा हूँ। अगली आँच में अब ग्रीन अनियन डालूंगा इसमें, ये थोड़ा सा इसको हल्दी से हम और थोड़ी हल्दी करेंगे, क्योंकि ये उबाले मार रहा है। ये अब इसमें हम लोग डालने जा रहे हैं ग्रीन कैप्सिकम, देख सकते हैं आप, ये डाल दिया। अब इसको हम हल्का हल्का सौगी कर लेंगे, लाइक क्योंकि ये थोड़े हार्ड है, इसको हम लोग स्मूथ करेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे आप। जी, अब इसमें हम लोग डालेंगे कैरेट, और इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे ताकि ये भी सॉगी हो जाए। ठीक है, मटर डालेंगे जो हमने बॉईल किए थे। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त मजा ही के, हाय हाय हाय, मजा लजीज, आह स्वादिष्ट, अति उत्तम, अति उत्तम। जी, अब आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी सौगी हो गई है। 1 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से हिलाया, 1 से 2 मिनट हिलाया। अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं चिकन, जो हमने ऑलरेडी बॉयल करके रखा था। अब इसको हम अच्छे तरीके से हिलाएंगे और मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा
थोड़ा सा क्या करेंगे, जो भी करेंगे वो आप देख लेंगे जी। अब आप देख सकते हैं ये मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड करने जाएंगे जिसको कहते हैं लेटस, क्योंकि मुझे लेटस ज़रा अच्छे तरीके से पसंद है कि अच्छे से घुल जाए। कुछ लोग इसको एंड में डालते हैं और कुछ लोग बाद में डालते हैं, लेकिन मैं पहले डाल लूँगा ताकि मुझे अच्छी अच्छी सौगी सौगी मिल जाए, ज़रा टेस्ट में ज़बरदस्त लुत्फ़ हो, ताकि अब अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे और हल्की आँच में इसको रख देंगे पकने के लिए भी नहीं करते, दोबारा टेक लेते हैं जी। अब हम इसमें मसाले भी डालेंगे थोड़ी देर बाद, अभी थोड़े से इसको मिक्स कर लें ताकि मसाले डालेंगे इसके अंदर। अब हम मसाले डालने जा रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे चाइनीज सॉल्ट आधा चम्मची। अब इसमें हम दूसरी आइटम जो डालने लगे हैं उसको कहते हैं काली मिर्चें, जितनी आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट है, मैं थोड़ी सी एक चम्मच डालूंगा। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, अब नमक डालने ला जा रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं आप, ये आप नमक डाला इसके अंदर। इसमें अब डालेंगे रेड चिली और इसमें आप डालेंगे सूखा धनिया और थोड़ी सी हल्दी। अब अच्छे तरीके से हम इसको हलाएंगे, उसके बाद हम लोग इसमें दो तीन चीज़ें और ऐड करेंगे। ये मसाला रेडी हो रहा है भाई कबाबों का, किसका समोसों का। अब इसमें हम डालेंगे इसको कहते हैं सोया सॉस। ओहो, सोया सॉस डाल दिया। अब इसमें डालेंगे स्वीट चिली, अब बारी आ गई विनीगर की। विनीगर थोड़ा सा डाला है विनीगर, मिनी के घर पे होकर आकर हमने विनीगर डाल दिया। अब हम इसको हल्की आंच में पकाएंगे, फिर जब रेडी हो जाएगा तो फिर आपको बताएंगे। अब इसमें मैं मेरी, क्योंकि ये मेरी डिश है तो इसमें हम डालूंगा स्वीट चिली सॉस। ये देखते हैं डाल दी स्वीट चिली सॉस। अब इसको हिलाऊंगा। और तो ये मसाला रेडी हो चुका हुआ है, अब इसको हम पट्टियों में पेट के डालेंगे। ओके, इस तरह ये देखें पट्टी को हम लोग ये इस तरह करेंगे फोल्ड, उसके बाद ये, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीजें। ये देखिए आप देख सकते हैं, मैंने तुझे बोला था मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसा कर तू बीच में मत पड़, मिनरल को बोल। अब डालने के बाद हम इसको ऐसे कवर कर देंगे अंडा लगा के, सॉरी। अब ऐसे रख देंगे और अब इस तरह हम लोग सारी पट्टियां बना लेंगे, तो बनाते हैं।